अगर आप जर्मनी में रहते हो और फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनने के माहौल में कितने सारे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ते हैं यहाँ पे आके और उन डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आपको जर्मन ब्यूरोक्रेसी का सामना करना पड़ता है बहुत सारा पेपर वर्क सबमिट करना पड़ता है तो अब इस सिनेरियो में तो एक होल न्यू लाइफ लेके आ रहे हो आप जर्मनी में और अपनी लाइफ में तो सोचिए कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो जैसे कि आप अपनी लाइफ में अभी एडजस्टमेंट कर रहे हो बच्चे के लिए शॉपिंग कर रहे हो फर्नीचर खरीद रहे हो घर में एडजस्टमेंट्स कर रहे हो वैसे ही आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करना पड़ेगा अपने बच्चे के बर्थ से पहले तो इस वीडियो में हम वही पांच काम डिस्कस करने वाले हैं जो मस्ट डू है बिफोर द बर्थ ऑफ योर बेबी हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल इन जर्मनी मेरा नाम है मनहर तो सबसे पहला काम एज ए मदर आपको ये करना पड़ेगा कि जब आपको पता लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको फर्स्ट थ्री मंथ्स के अंदर अंदर अपनी प्रेगनेंसी के अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ अपना मोटर पास भी शेयर करना होगा पास जो कि आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको बना के देती है जब आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि आप प्रेग्नेंट हो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो मोटर पास मिलेगा और उस पास में आपकी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट भी लिखी होगी

तो उन 14 हफ्ते में आपको आपकी सैलरी फुल मिलती है जिसको बोलते हैं मैटरनिटी बेनिफिट्स और अगर आपके पास अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपका जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड होते हैं सबसे पहले तो आपको एक वन टाइम पेमेंट मिलेगी 210 यूरो की बीएएस से जिसकी वेबसाइट पे जाके आपको इस पेमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप एक जर्मन कंपनी में काम करते हो तो और इस एप्लीकेशन को भरते हुए आपको दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो आपको अपने एम्प्लॉयर से भरवाना है इस डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट आप इसी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने एम्प्लॉयर को फॉरवर्ड कर सकते हो ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को भर के स्टैम्प करके साइन करके आपको वापस दे दे दूसरा डॉक्यूमेंट लगेगा आपका प्रूफ ऑफ एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट जो आपको आपकी गाइनोकोलॉजिस्ट बना के देगी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो और इसके बाद आपको ये वन टाइम पेमेंट मिल जाएगी इसके अलावा आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर से तो मैटर्निटी बेनिफिट्स मिलेंगे ही पर अगर इन दोनों अमाउंट्स को मिला कि आपके मेटर्निटी बेनिफिट्स 100% परसेंट ऑफ योर सैलरी नहीं बन रहे तो आपका एम्प्लॉयर भी जो है ऊपर से कंट्रीब्यूट करेगा आपके बेनिफिट्स की तरफ तो ये तो हमने बात करी कि आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जिसके बेसिस पे वो आपके मेटर्निटी प्रोटेक्शन पीरियड को प्लान करेगा और आपके मेटर्निटी बेनिफिट्स डिपेंड करेंगे इसके अलावा आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है पेरेंटल लीव्स के बारे में भी जर्मनी में जैसे कि ये मेटर्निटी प्रोटेक्शन पीरियड है वो कंपलसरी होता है साढ़े तीन महीने का इसके बाद आप पेरेंटल लीव्स भी ले सकते हो जो एक से दो साल तक जा सकती हैं आपके बच्चे के बर्थ के बाद तो अगर आप ये पेरेंटल लीव्स लेना चाहते हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपनी पेरेंटल लीव स्टार्ट होने से एटलीस्ट सात हफ्ते पहले तक ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके रिप्लेसमेंट के लिए प्लान कर पाए या जो भी जैसे भी उन्होंने मैनेज करना है आपकी एबसेंस को वो उस हिसाब से इस चीज़ को प्लान कर तो पेरेंटल लीव्स के लिए इन्फॉर्म करने के लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को जिसमें आप अपनी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट बताओगे और साथ में ये बताओगे की आप कौन सी डेट से कौन सी डेट तक पेरेंटल लीव लेना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट को आपको अपने एम्प्लॉयर को पोस्ट करना पड़ेगा या आप ऑफिस जाके खुद से भी हैंड ओवर कर सकते हो और इसके रिप्लाई में आपका एम्प्लॉयर आपको एक कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट देगा जिस डॉक्यूमेंट को आपको बाद में यूज करना पड़ सकता है अपनी एल्टन की एप्लीकेशन में जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो है वो एल्ट पे गाइफ्स को ढूंढना और अपनी हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन सबसे पहले मिडवाइफ्स की बात कर लेते हैं जर्मनी में गायनोकोलॉजिस्ट का सपोर्ट उतना नहीं है जितना इंडिया में होता है आपके गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पे आपका सिर्फ चेकअप करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करेंगे और आपकी रिपोर्ट बना के दे देंगे आपको इसके अलावा जो भी आपके छोटे बड़े क्वेश्चन है आपको कोई एडवाइस चाहिए आपको क्वेश्चन पूछना है प्रेगनेंसी के रिलेटेड बच्चे के रिलेटेड वो सारे काम गायनोकोलॉजिस्ट की जॉब प्रोफाइल के अंडर नहीं आते और वैसे जैसे इंडिया में हमें बड़े लोग इन सारी चीजों में हेल्प कर देते हैं वो यहाँ पे वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड है तो इन सारी चीजों को जो कोपअप है वो मिडवाइफ्स करती हैं हमारे साथ तो मिडवाइफ्स आपको विजिट करेंगी आपके बच्चे के बर्थ से पहले भी और बच्चे के बर्थ के बाद भी और आपको इन सारी छोटी बड़ी चीजों में हेल्प करती हैं और जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशंस जर्मनी में लेबर शॉर्टेज हैं वैसे ही मिडवाइफ्स का प्रोफेशन भी यहाँ पे बहुत शॉर्टेज में है तो यहाँ पे मिडवाइफ्स का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जैसे कि अभी यहाँ पे 90 परसेंट जो लोग हैं वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में होते हैं तो उनके लिए मिडवाइफ्स को ढूंढना और भी डिफिकल्ट रहता है प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के केस में क्योंकि यहाँ पे जो मिडवाइफ्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा पैसा बना पाते हैं तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस वालों को मिडवाइफ्स जो है वो थोड़ी ईजिली मिल जाती हैं तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए मिडवाइफ्स को जल्दी से जल्दी ढूंढना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जब भी आपको पता लगे कि आप प्रेग्नेंट हो तो उसके बाद जल्दी से जल्दी अपने मिडवाइफ को ढूंढना स्टार्ट कर दें आप अपनी गोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि उसके एसोसिएशन में कोई मिडवाइफ्स हैं कोई रेफरेंस दे पाए तो आप वो ले सकते हो आप हिबाम जूके डॉट डी ई एमली डॉट डी फ्यामी डॉट डी जैसी वेबसाइट्स पर जाके रजिस्टर कर सकते हो और मिडवाइफ्स ढूंढ सकते हो या आपको जो मिडवाइफ्स हैं वो अपनी पर्सनल वेबसाइट्स क्रिएट करके भी रखी होती हैं उन्होंने आपको वो सारे ऑप्शंस तलाश करने पड़ेंगे और जल्दी से जल्दी अपने लिए मिडवाइफ ढूंढनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपको सपोर्ट मिले और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्टेप का वो है हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन आपको हॉस्पिटल्स में रजिस्टर करना होगा अपनी डिलीवरी के लिए तो आप अपने आस के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको रिसर्च कर सकते हो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेफरेंस ले सकते हो कि कौन से हॉस्पिटल्स अच्छे हैं या नहीं और जब आपकी एक लिस्ट निकल के आई कि अच्छा ये दो तीन हॉस्पिटल्स आपके फेवरेट हैं आप इसमें डिलीवरी करना पसंद करोगे तो आपको उन हॉस्पिटल्स पे रजिस्टर रजिस्टर करवाना होगा करवाने के लिए आप कॉल कर सकते हो उनको ईमेल कर सकते हो या उनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हो वहाँ उनकी वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो बेसिकली और ये प्रोसेस भी आपको जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि ये जो कई हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है कई हॉस्पिटल्स अर्ली प्रेगनेंसी में ही रजिस्ट्रेशन मांगते हैं और कई एंड तक भी स्लॉट्स uh, प्रोवाइड कर देते हैं आपको तो ये प्रोसेस अगर आपका जो फेवरेट हॉस्पिटल है वो जल्दी रजिस्ट्रेशन मांगता है तो ये प्रोसेस आपको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए और जब आप रजिस्ट्रेशन की अपॉइंटमेंट पे जाते हो तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जैसे कि अपना मोटर पास अपना इंश्योरेंस कार्ड या आपकी प्रेगनेंसी की जो भी कॉम्प्लिकेशन हैं उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी आपको हॉस्पिटल को जाके सबमिट करनी पड़ेगी ताकि हॉस्पिटल आपका केस स्टडी कर पाए और जो भी नीड्स हैं आपकी डिलीवरी के टाइम पे जो हो सकती हैं उन सबको फुलफिल कर पाए इससे बेसिकली क्या होगा जो आपका डिलीवरी का एक्सपीरियंस जो बर्थ का एक्सपीरियंस है वो कम्फर्टेबल होगा तो आप डिलीवरी तो किसी एमरजेंसी केस में भी किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी जाके हॉस्पिटल के कर सकते हो बट आप उस टाइम पे ये कंफर्ट जो आपको जिस हॉस्पिटल जो आपका देखा हुआ है जहां आप गए हुए हैं जहां आपने पूरा डेटा अपना प्रोवाइड कर रखा है वैसा कंफर्ट आपको इमरजेंसी में नहीं मिलेगा तो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी डिलीवरी से पहले जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है एल्टन गेल्ट और किंडरगेल्ड की एप्लीकेशन का एल्टन गेल्ड यानी कि पेरेंटल अलाउंस जो गवर्नमेंट आपकी सैलरी का आपको एक परसेंटेज देगी आपके अकाउंट में उस टाइम पे जब आप पेरेंटल लीव पे हो ताकि आप अपनी सस्टेनेंस कर पाओ और किंडेगर जैसे कि आपको पता है कि चिल्ड्रन अलाउंस हर बच्चे के लिए आपको ढाई सौ यूरो मिलेगा हर मंथ आपके अकाउंट में ताकि आप बच्चे की देखरेख कर पाओ तो इन दोनों की एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे के बर्थ के बाद इन एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सकते बट ये जो एप्लीकेशन है वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है इनमें बहुत सारा डेटा लगता है बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको भरने पड़ेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में सबमिट करने पड़ेंगे और इन चीजों को जब आप बच्चे के बर्थ के बाद इकट्ठा करने लगोगे तो हो सकता है कि आप जो डेड लाइन्स हैं वो मिस आउट कर दो डेड लाइन मिस आउट करने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप पेरेंटल अलाउंस को मिस आउट कर दो तो इससे अच्छा ये है कि इन दोनों एप्लीकेशन को आप पहले से स्टडी कर लो देख लो कि कौन कौन से फील्ड्स कौन कौन सा डेटा आपको अरेंज करके रखना है भरने के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको रेडी करने हैं वहाँ पे अप्लाई करने के लिए इन एप्लीकेशंस को आप ऑनलाइन भी भर सकते हो और ऑफलाइन भी भर सकते हो डाउनलोड करने पड़ेंगे आउट करने पड़ेंगे और जो भी इन्होंने मांग रखे हैं इन एप्लीकेशन को ऑनलाइन भरने के लिए आपका जो रेजिडेंट परमिट है या जर्मन आई है उस पर ई आई का फीचर एक्टिव होना चाहिए इस ई आई के थ्रू आप एक फेडरल अकाउंट क्रिएट करते हो जो आपकी ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के लिए काम आता है और जर्मन गवर्नमेंट के जितने भी अपने प्रोसेस ऑनलाइन हो रखे हैं उनके वेब पोर्टल्स पे लॉग इन कर सकते हो आप इस फेडरल अकाउंट के साथ तो इन दोनों एप्लीकेशन के लिए जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप वहां पे जाके अपनी ई के थ्रू लॉग इन करके इन एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपके जर्मन आईडी कार्ड पे ईआईडी एक्टिवेटेड है या नहीं तो आप अपने फोन में हाउस ऐप डाउनलोड कर सकते हो और उसमें लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हो अपनी आईडी की डिटेल्स भर के अगर आप लॉग इन कर पाते हो तो मतलब इट्स गुड पर अगर नहीं तो आपको ईआईडी अपनी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी इमिग्रेशन ऑफिस तो इमिग्रेशन ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी तब वो जाके आपका जो ईआईडी है वो एक्टिवेट करेंगे और ये प्रोसेस लंबा होता जाएगा खिंचता जाएगा तो इससे अच्छा यही है कि आप ये दोनों एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बच्चे के बर्थ बच्च से पहले से स्टार्ट कर दो ताकि आपको पता हो कि आपको किस किस टाइम पे क्या क्या चाहिए और आप उसको अरेंज कर पाओ तो चौथा इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको अपने बच्चे के बर्थ बच्च से पहले करना है वो है उसके लिए कीटा या किंडर गार्टन ढूंढना सुनने में तो बहुत ही अटपटा लगता है कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ और उसके लिए आपको किंड गार्टन ढूंढना पड़ रहा है बट यही जर्मनी की सच्चाई है जर्मनी में जैसे कि हर चीज की शॉर्टेज है वैसे ही कीटा के स्लॉट्स की शॉर्टेज है और यहाँ पे हर कीटा की अपनी अपनी पॉलिसी होती है कई कीटा अलाव करते हैं कि 12 महीने से छोटा बच्चा उनके पास नहीं आना चाहिए और कीटास के जो स्लॉट्स जो ओपन होते हैं वो अगस्त में होते हैं हो सकता है कि जब आप चाह रहे हो कि अब आपका बच्चा कीटा जाए तो आपको स्लॉट ना मिले नियर बाई आपको अपने ही, है कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही आप अपने आसपास के कीटास पर रजिस्टर करना शुरू कर दो और कीटास ढूंढना शुरू कर दो इस प्रोसेस को भी आप ऑनलाइन कर सकते हो जिस फेडरल अकाउंट की बात हमने पिछले स्टेप में करी उस ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन अकाउंट से आप कीटा नेविगेट डी पे लॉग करके अपना पोस्ट कोड डाल के जो भी आपके आसपास के कीटाज है उनकी लिस्ट निकाल सकते हो और उन कीटाज पे अप्लाई कर सकते हो और आप देन वेट कर सकते हो आपको कीटा रिप्लाई करते हैं या नहीं चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी स्टेप की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है अपने बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और पीडियाट्रिशियन को फिगर आउट करना सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं अपने बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस को फिगर आउट करना ईजी है अगर दोनों पेरेंट्स पब्लिकली इंश्योर्ड है तो।, तो कोई भी पेरेंट डिसाइड कर सकता है बच्चे को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड करवाना तो अगर आप अपने बच्चे को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड करवाना चाहते हो तो अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को आपको रीच आउट करना पड़ेगा उनके यहाँ एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी और आपको थोड़े से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को जैसे कि अपनी पे स्लिप्स अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टैक्स असेसमेंट्स बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और अगर एक दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो भी तो इससे आपका बच्चा जब पैदा होगा उसके बाद वो आपकी पब्लिक इंश्योरेंस में इंक्लूड हो जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के ये प्रोसेस थोड़ा सा तब कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप दोनों पेरेंट्स के पास एक के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और दूसरे के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो तो इस केस में आप क्या कर सकते हो आप अपने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के पास जाके ये चेकआउट कर सकते हो कि बच्चा कौन सी इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर आप दोनों पेरेंट्स की सैलरीज को कंपेयर करेगा तो अगर जिस पेरेंट की सैलरी ज्यादा है और उनके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है तो बच्चा जो है वो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है

तभी आप पीडियट्रेशियंस को अप्रोच करो तो हो सकता है कि आपको उनके पास या अपॉइंटमेंट्स ना मिले तो जर्मनी में यही गुड प्रैक्टिस का केस रजिस्टर करवाओ उनके पास और थियोरेटिकली तो ये होना चाहिए कि आपके आसपास जो तीन पीडियट्रिशियन है उनमें से एक पीडियटिशियन को आपका केस लेना ही पड़ेगा पर अगर आप एंड मोमेंट पे उनके पास जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको दिक्कत फेस करनी पड़े तो इसीलिए यही रिकमेंडेड है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप पीडियो को रीच आउट करके अपने बच्चे को रजिस्टर करवा दो उनके पास वो बेहतर रहेगा आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा हमारे चैनल लैंडेड इन जर्मनी को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो मच